हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर इंटरनेट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्लास 10th। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे www फीचर्स ऑफ www एंड मेनी मोर थिंग। बट अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ www। www is massive collection of interlinked document, image and other resources. Means जितने भी आप web pages पर देख रहे हो content, वो text भी होता है। web pages is a collection of text, videos, audios, images, ये सारी चीज़ें हमारे web pages में होती हैं जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती हैं। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इसीलिए हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। सर्च इंजन इसे सर्च करता है। हम सर्च इंजन पर कुछ भी टेक्स्ट देते हैं और वो हमारे टेक्स्ट या कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर्चिंग स्टार्ट कर देता है। अगर ये सारे कंटेंट इंटरलिंक्ड नहीं होते तो क्या आज हम इसे एक्सेस कर पाते? नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, आज कंटेंट ही इंटरलिंक्ड नहीं है, आज हमारे डिवाइसेस भी इंटरलिंक्ड हैं, आज हमारे रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज भी इंटरलिंक्ड हैं। हम कोई भी चीज़ कहीं पर सेव कर सकते हैं, सर्वर पर सेव कर सकते हैं, हम तरह तरह के डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं और अलग अलग प्रोटोकॉल्स पर वर्क करते हैं। तो कहा जाए, अगर हम कोई भी वेब पेज डिस्प्ले कर रहे हैं अपने वेब ब्राउज़र पर, तो उस समय HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे एक प्रोटोकॉल HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फिर हम लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मींस हम प्रोटोकॉल जो हमारा है वो भी आपस में इंटरलिंक्ड है, हम प्रोटोकॉल स्विच कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब ये आपस में इंटरलिंक्ड हों। तो www इन्हीं सारे लिंक्ड रिसोर्सेज, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ऑडियोस का कलेक्शन है, और इसी की वजह से हम लोग डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर लेते हैं आसानी के साथ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कौन इन्वेंट किया था? तो ये टिम बर्नर्स-ली, इसे नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर आता है एग्ज़ाम में, टिम बर्नर्स-ली। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि www के इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली हैं, और जो पेजेस हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, वो हाइपरलिंक के थ्रू आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, और हर एक कंटेंट का यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम लोग URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये रहा हमारा www। अब चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की, इसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो सीधी सी बात है, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है तो हम आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, कंटेंट्स को। और जब www बना तो एक कॉन्सेप्ट आया हाइपर टेक्स्ट का। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब ऐसा टेक्स्ट कंटेंट जो लिंक्ड हो, उसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो HTML पेजेस पर आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे कि हम लोग HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करते थे जब हम लोग कोडिंग करते थे,
और हाइपरलिंक देने के लिए हम लोग यूज़ करते थे एंकर टैग का। आगे है आप लोगों में, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो एंकर टैग का यूज़ करते थे और हाइपरलिंक हम लोग एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पर या इमेज पर हाइपरलिंक क्रिएट करते थे। तो हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट दोनों में डिफरेंस यही है कि जो हाइपर लिंक होता है वो लिंक है, और हाइपर लिंक हम लोग जिस पर क्रिएट करते हैं दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट, वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। जब भी हम हाइपर लिंक करते हैं तो वो एक दूसरे कलर में चेंज हो जाता है, जनरली ब्लू कलर में वो शो होता है। www किस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है? HTTP का। HTTP ये प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। तो HTTP की एक ख़ास बात ये है कि HTTP जब भी यूज़र या क्लाइंट कोई भी वेब पेजेस रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, और जिस पेज का रिक्वेस्ट किया गया था वो पेज सर्वर क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद जो कनेक्शन होता है वो कट ऑफ हो जाता है उस सर्वर से। तो इस तरह से इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। जो नेक्स्ट पॉइंट, वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, और यही एक एप्लीकेशन है जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है और हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं सर्वर से। www एक और ख़ास बात है जो लास्ट पॉइंट है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मीन्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो हम लोग विंडोज़ की बात कर रहे हो, चाहे लिनक्स की बात कर रहे हो, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हो, ये सभी पर वर्क करता है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट एंड www में क्या डिफरेंस है? सिंपल सी बात है। देखिए, अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि www है क्या, और इंटरनेट में एक बड़ी डिफरेंस यही है कि इंटरनेट एक नेटवर्क है, कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है। और www क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो आपस में लिंक्ड हैं। इंटरनेट को हम लोग कह सकते हैं नेट, लेकिन www को, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, उसको हम लोग www एब्रीविएट करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म वेब कह सकते हैं या www। इट हैज़ मेनी लैंग्वेज एंड प्रोटोकॉल्स टू ट्रांसमिट डाटा ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। यस, ये इंटरनेट है। तो जब हमने कंप्यूटर का एक नेटवर्क फॉर्म कर दिया तो हम कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। लेकिन जो www है वो सिर्फ़ और सिर्फ HTTP का ही यूज़ करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, तो ये इस नोट दिस पॉइंट, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि www जो है सिर्फ़ और सिर्फ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ही यूज़ करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इंटरनेट है, तो इंटरनेट में लास्ट जो पॉइंट है, इसमें कई सर्विसेज हैं। चूँकि कंप्यूटर का नेटवर्क फॉर्म हो चुका है तो हम कोई भी प्रोटोकॉल और कोई भी सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और www सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउज़र का ही यूज़ करता है। वेब ब्राउज़र के ज़रिए ही हम कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का एक अच्छा सा डिफरेंस इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में।
चलिए नेक्स्ट है वेब सर्वर। सिंपल सी बात है और इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ मैं कि सर्वर और कंप्यूटर जैसे दो अलग अलग टर्म्स जरूर हैं लेकिन है एक ही। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो सर्विस देता है। हम सर्वर से कोई पेजेस रिक्वेस्ट करते हैं, तो कोई पेज मैंने रिक्वेस्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया www.google.com, मैंने एड्रेस बार पर इसे टाइप किया। तो जब इसे टाइप किया तो क्या हुआ, अब मेरा ब्राउज़र जो है, क्लाइंट का ब्राउज़र, यूज़र का जो ब्राउज़र है, वो रिक्वेस्ट किया सर्वर से। अब वो किस सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, गूगल के सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे गूगल का जो होम पेज है वो मुझे दो, मुझे गूगल का होम पेज चाहिए। वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, आप जैसा कि फिगर में देख रहे हो। फिर सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने उस पेज, उस पर्टिकुलर पेज को क्लाइंट को ट्रांसफ़र किया। तो सर्वर कर क्या रहा है, सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द क्लाइंट मशीन। अब क्लाइंट मशीन कुछ भी हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, और यही है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट्स जो होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर, उसको हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर भी बोलते हैं, नोट्स भी बोलते हैं, वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये यूज़र होते हैं, और सर्वर जो है वो सभी को डॉक्यूमेंट्स या अलग अलग कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो बच्चों ये बताइए, सर्वर विद इन 1 सेकेंड, सर्वर पर लाखों करोड़ों मिलियंस वहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही हैं। सिंपल सी बात है, हम हैं, आप हैं, बहुत से लोग हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, और सर्वर एट द सेम टाइम आपको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो सिंपल सी बात है, सर्वर इतने सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, और वो तभी हैंडल कर सकता है, इतने सारे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, तो सर्वर का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये बात कही गई है, अभी इस लाइन में कही गई है कि वेब सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर वेयर द HTML पेजेस एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोर्ड। और जब क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर वो सारे डॉक्यूमेंट्स और ऑल दीज थिंग्स को ट्रांसफ़र करता है क्लाइंट मशीन को। तो दिस इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल, और आप इसे ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट टर्म है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट, अभी जो क्लाइंट मशीन की बात हम लोग कर रहे थे वो क्लाइंट मशीन है। अब उस क्लाइंट मशीन में ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो रिक्वेस्ट कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग एड्रेस टाइप करते हैं तो कहाँ करते हैं, एड्रेस बार, किस एड्रेस बार पर टाइप करते हैं, वेब ब्राउज़र के। तो वेब ब्राउज़र इज़ दैट एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट टू सर्वर। तो हमारा जो वेब ब्राउज़र है एक्चुअली वही क्या है, वेब क्लाइंट है, वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ओके, अब यहाँ पे कुछ बात आ रही है प्लगइन्स एंड हेल्पर एप्लीकेशंस। अच्छा बच्चों, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इमेज, ओके इमेज है, या मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है या पीडीएफ है, आपने डाउनलोड किया, तो वेब ब्राउज़र के थ्रू तो आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन उस पीडीएफ को, उस डॉक्यूमेंट को, उस मान लीजिए आपने ऑडियो फाइल डाउनलोड किया,
तो ये फाइलों को ओपन करने के लिए कुछ अलग से हेल्पर एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। हम इसे हेल्पर एप्लीकेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वेब ब्राउज़र से अटैच हो करके वेब ब्राउज़र्स की फंक्शनलिटी को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही मैंने मान लीजिए कोई पीडीएफ डाउनलोड किया, तो हेल्पर एप्लीकेशन क्या कर रहा है, उस पीडीएफ को ओपन कर देगा वेब ब्राउज़र पर ही। तो आपने ऐसा, आपके साथ कभी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई पीडीएफ ओपन करते हो, पीडीएफ कब ओपन करते हो, वेब ब्राउज़र पर आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड किया और फिर आपने ओपन किया, तो आप देखते हो कि वो पीडीएफ वेब ब्राउज़र पर ही ओपन हो गया। इसका मतलब क्या कि आपके वेब ब्राउज़र के साथ एक हेल्पर एप्लीकेशन अटैच है। तो इस तरह से आपके वेब ब्राउज़र की फंक्शनलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो जो वेब क्लाइंट है इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वेब ब्राउज़र, ओके। नेक्स्ट है प्लगइन, एक बहुत अच्छा सा छोटा सा है, ये भी हेल्पर सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है, हेल्पर एप्लीकेशन की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। ये क्या करता है, ये अकेले वर्क नहीं कर सकता, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके वेब ब्राउज़र में ही इंस्टॉल्ड हो जाएगा और उसकी उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ाता है, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्लग इन, ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, ओके। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है और इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आप देख रहे हो यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड में ब्राउज़र है, एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप, एक टैबलेट दिख रहा है आपको, ये सारे क्लाइंट हैं, ओके। HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू मैंने रिक्वेस्ट किया और राइट साइड आप देख रहे हो वेब सर्वर है, जिसे हम लोग कहेंगे HTTP सर्वर, क्योंकि इसी प्रोटोकॉल पर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो HTTP रिक्वेस्ट है और HTTP रिस्पॉन्स है, तो जैसा रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर आप देख रहे हो जो सर्वर है राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे आपको लिखा हुआ है वेब पेजेस। तो वेब पेजेस कई हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम लोग HTML पर ही वेब पेजेस नहीं ड्रॉ करते, मतलब नहीं डिज़ाइन करते हैं, हम लोग के पास जावास्क्रिप्ट है, ASP.NET है, PHP है, अलग अलग तरह के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिस पर वेब पेजेस बन सकते हैं। और कुछ इंट्रैक्टिव करने के लिए वेब पेजेस को कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे ActiveX Control है, जावा एप्लेट्स है, और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन सभी एप्लीकेशंस का, एक आजकल का जो वेब पेज है वो इन्हीं सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। इसलिए हमारा आज का वेब पेज डायनेमिक वेब पेज बन गया है, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों को मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ये वेब ब्राउज़र प्लगइन क्या होता है। सिंपल सी बात है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी टू द वेब ब्राउज़र। तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और इसे हम लोग कभी कभी एड ऑन्स या एक्सटेंशन भी कहते हैं। और आप इसे, अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, तो आप अपने वेब ब्राउज़र में जा कर के सर्च करना, आपके वेब ब्राउज़र के उस एप्लीकेशन के अंदर एक्सटेंशन होंगे, आप वहाँ एक्सटेंशन में चेक करना कि कौन कौन से एक्सटेंशन है, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन कौन से एक्सटेंशन उसमें देखे। तो ये, इसको हम लोग जो प्लगइन है उसको हम लोग एड ऑन्स या एक्सटेंशन भी कहते हैं। ये छोटे से सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेब ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाते हैं और वेब ब्राउज़र की कैपेबिलिटी फंक्शनलिटी को बढ़ाते हैं, ओके। अब जैसे सबसे पहला अच्छा सा एक प्लगइन है वो है एडोब फ्लैश प्लेयर। जब भी हम लोग
कोई वीडियो प्ले करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब, तो आप देखते हो यूट्यूब जो है उसमें तो बहुत सी चीज़ें इमेज होती हैं, सब कुछ होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं वो सब तो दिखते ही हैं आपको, बट वहाँ पर मेन में क्या है, एक वीडियो प्ले होता है। तो उस वीडियो को प्ले करने के लिए एडोब फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है और यही एक्सटेंशन वेब ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड हो जाता है। और भी माइक्रोसॉफ्ट का सिल्वर लाइट है, क्विक टाइम प्लेयर है, ये भी एक प्लेयर है जो कि वीडियोस प्ले करता है वेब ब्राउज़र पर। कुछ हेल्पर एप्लीकेशंस हैं, जैसे अभी भी मैंने बताया कि पीडीएफ ओपन करना है तो आप क्या, तो हेल्पर एप्लीकेशंस का एक एग्जांपल है एडोब रीडर। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट तो बहुत ही आसान है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब वेबसाइट क्या होता है कि ये एक तरह का, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे बुक होती है ना, तो बुक में ढेर सारे पेजेस होते हैं और हर एक पेज में कुछ ना इमेज होता है, टेक्स्ट होता है, तो वेबसाइट ही आप ऐसे मान सकते हो कि वेबसाइट ही वेब पेजेस का क्या है, कलेक्शन है। एक वेबसाइट में ढेर सारे पेजेस हो सकते हैं, ओके, और हर एक पेज का क्या होता है, हर एक पेज का यूआरएल होता है, ओके। चलिए कुछ और कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं वेबसाइट के। अब एक टर्म है वेब सर्वर, काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। तो ये होता क्या है कि जब भी हम लोगों ने वेबसाइट बनाया, जैसे हम लोग HTML पे वेब पेजेस बनाते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया, तो उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने वेबसाइट को जिस सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, पब्लिश कर लेते हैं जिस सर्वर पर, तो वो हमारा सर्वर कहलाएगा वेब सर्वर। उस वेबसाइट के लिए वो सर्वर वेब सर्वर कहलाएगा। नेक्स्ट है URL, तो आप तो जानते हो हर पेज के लिए, हर वेबसाइट के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, उस यूनिक एड्रेस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और होम पेज क्या होता है, होम पेज इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। जैसे मैंने, मान लीजिए मैंने www.google.com ओपन किया, तो जो फर्स्ट पेज आपको दिख रहा है वो क्या है, उसका गूगल का होम पेज है, ओके। नेक्स्ट है यूज़र फ्रेंडली, ये हम लोग बात कर रहे हैं वेबसाइट के बेसिक कंपोनेंट की। तो बात तो सही है कि जो हमारा वेब पेज है आज का, वो स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है, जिसमें अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। वेब पेज में टेक्स्ट ही नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ होते हैं, ओके। और हाँ, इस एक ऑनलाइन डेटाबेस भी होता है, यानी कि अगर ऑनलाइन डेटाबेस का मतलब ये है कि सर्वर पर एक डेटाबेस क्रिएट होता है, एक लॉग फाइल्स क्रिएट होती है, उस लॉग फाइल को जब भी हम सर्च इंजन पर कोई भी टेक्स्ट सर्च करते हैं, तो वो लॉग फाइल्स को सर्च करता है। और सर्वर पर सिर्फ वेबसाइट ही तो रहती ही है, वहाँ पे फाइल्स रहते हैं, ढेर सारी फाइल्स होती हैं, और फाइलें अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो जो हमारा डेटाबेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं CBSE की वेबसाइट मैंने ओपन किया और मैंने वहाँ पर अपना रोल नंबर टाइप किया, रोल नंबर दिया और एंटर किया। जैसे हम एंटर करते हैं तो वो रोल नंबर से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ मेरा ही रोल नंबर वेब सर्वर पर स्टोर है? नहीं, मिलियंस स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, तो उन सब का वहाँ पर एक टेबल, एक डेटाबेस क्रिएट है, जिसे हम लोग कहेंगे क्या, ऑनलाइन डेटाबेस। नेक्स्ट है HTML के बारे में तो जानते ही हो,
और हाइपर टेक्स्ट भी हो गया, HTTP भी हो गया। नेक्स्ट है वेब पेजेस, या ये आ गया आपका स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, अब स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? देखिए, जैसा कि ये जो पेज है ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ फेसबुक का। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना facebook.com मैंने टाइप किया एड्रेस बार पर और फेसबुक का होम पेज ओपन हो गया। अब एक दूसरा बंदा है, उसने भी facebook.com टाइप किया, तो उसके उसके लैपटॉप या उसके डेस्कटॉप पर भी क्या हुआ, फेसबुक का होम पेज ओपन हो गया। मेरा जो होम पेज है और उसका होम पेज, यानी मेरे पे जो डिस्प्ले हो रहा है वही उस पे भी डिस्प्ले हो रहा है। बट जब उसने लॉग इन किया और मैंने लॉग इन किया, तो मेरा पेज कुछ दूसरा दिख रहा है, उसका पेज कुछ दूसरा दिख रहा है। तो यूज़र के अकॉर्डिंग पेज का चेंज हो जाना, इसको कहते हैं इंटरेक्टिव पेज। इसे कहते हैं इंटरेक्टिव पेज। आजकल के जितने भी पेजेस हैं, हम वो उस पर ढेर सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। जो आजकल के पेजेस हैं वो डायनेमिक इसलिए हैं क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट दे रहे हैं, और दैट इज़ नॉट कॉमन टू ऑल यूज़र्स। तो लेकिन ऐसे पेजेस जो सभी यूजर्स के लिए कॉमन है, सभी यूजर्स को सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ऐसे पेजेस को बोलते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक और स्टैटिक पेज के लिए पेज का क्या डिफरेंस है। देखिए देखिए, स्टैटिक पेज जो है दैट इज़ रिमेन द सेम फॉर ऑल द यूज़र। वेब पेजेस इज एडिटेड अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। ये लाइन तो क्लियर हो गई, जैसा कि अभी मैंने फेसबुक का एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड HTML कोड टैग्स। सिंपल सी बात है कि इसमें वही जो जितने भी हम लोग ने टैग्स पढ़ रखे हैं, मतलब इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ही यूज़ होगा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो भी टेक्स्ट वैलिड टेक्स्ट हैं वो सभी का यूज़ होगा। कोई प्रोग्रामिंग नहीं होगी, लॉजिक बिल्डिंग प्रोग्रामिंग इसमें कुछ नहीं होनी है। लेकिन जो डायनेमिक वेब पेजेस बन रहा है उसमें अलग से अदर लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा रहा है, उसको इंट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको और इफ़िशियंट बनाने के लिए, उसको डायनेमिक बनाने के लिए कि वो डायनेमिकली रिजल्ट दे। जिसके लिए पॉपुलर लैंग्वेज है PHP, JSP, ASP, ये सब हमारे वेब पेजेस को डायनेमिक बना देते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हमारे वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है, और आपको कम से कम 5 वेब ब्राउज़र्स के नेम लर्न होने चाहिए, क्योंकि CBSE में एक बार ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आया था कि 2-4 वेब ब्राउज़र्स के नेम थे जो पॉपुलर नहीं थे। तो उसने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। उसने एप्पल सफारी का नाम लिया था, एप्पल सफारी था उसमें एक, तो वो भी एक वेब ब्राउज़र है डेवलप्ड बाई एप्पल कंपनी। तो चलिए, ये सब हो गया, और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को एंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।